हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां 100 दिनों तक रात नहीं होती, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये सच है। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, ये देश उन देशों में शामिल है जहां लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती। ये देश अपने अजीब कानूनों और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसकी राजधानी पानी के ऊपर बसी हुई है, ठीक इटली के वेनिस शहर की तरह। इस देश में बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल के लिए माता पिता को काम से 480 दिनों की पैरेंटल लीव दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वीडन देश की, वो देश जो आज दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, खूबसूरती का दूसरा नाम है स्वीडन। ये एक ऐसी जगह है जिसने टूरिस्ट को कभी निराश नहीं किया। दुनिया में जब कभी किसी भी खूबसूरत देश की बात होती है तो स्वीडन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसकी खूबसूरती का एक कारण ये भी है कि ये देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये यूरोप महाद्वीप में उत्तर में स्थित एक देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड और दक्षिण में डेनमार्क से जुड़ी हुई हैं। जबकि देश की समुद्री सीमाएं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया के साथ साझी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देश की कुल पॉपुलेशन 1.02 करोड़ है और इस लिहाज से ये देश दुनिया का 51वां सबसे बड़ा देश है। स्वीडन की 57% पॉपुलेशन शहरी इलाकों में रहती है। स्वीडन देश की ऑफिशियल भाषा स्वीडिश है। इसके अलावा यहाँ 4 और लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है जिसमें सामी, रोमेनी और येडिश जैसी भाषाएं शामिल हैं। वैसे तो स्वीडन का ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, लेकिन यहाँ 90% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। स्वीडन की राजधानी शहर है स्टॉकहोम। 14 द्वीपों को मिलाकर बना यह शहर पानी के ऊपर बसा है। दुनिया के पहले ओपन एयर म्यूजियम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर स्टॉकहोम शहर में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये शहर करीब 57 पुलों से जुड़ा हुआ है। 14 द्वीप होने की वजह से स्टॉकहोम का पानी इतना साफ है कि आप इसे पी सकते हैं, इसमें तैर सकते हैं और यहाँ तक कि इसमें फिशिंग भी कर सकते हैं। स्वीडन के शहर में करीब 100 म्यूजियम्स हैं, जो दुनिया के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। यहाँ के नेशनल म्यूजियम में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शहर के ज्यादातर बड़े म्यूजियम्स लोगों के लिए फ्री हैं। स्वीडन का नाम सबसे अमीर देशों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी दूसरे देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। 2012-13 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार स्वीडन दुनिया का 4th सबसे बड़ा और बेहतर इकोनॉमी वाला देश बनकर सामने आया था। स्वीडन पर कैपिटा GDP के मामले में दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस देश में लोग कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे। इस देश की खासियत भी यही है। स्वीडन की इकोनॉमी मेडिकल सुविधाओं और मोटर व्हीकल्स पे सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। ये देश इंजीनियरिंग के फील्ड में काफी आगे है, जिसे दुनिया के कई बड़े देश भी मानते हैं। इसके अलावा स्वीडन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक भी है। दूसरे देश स्वीडन से हथियार काफी भारी मात्रा में खरीदते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्वीडन की इकोनॉमी के 2% को कवर करता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि स्वीडन इंजीनियरिंग के मामले में काफी आगे है। यहाँ हर साल अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। साल 2017 में स्वीडन ने एक अलग ही तरीके की डिवाइस बनाई थी। दरअसल 2017 में स्वीडन के 4,000 कर्मचारियों ने अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच के हिस्से में एक खास तरह की डिवाइस लगवाई। इस चिप की खासियत यही है कि इसे लगाने के बाद सिर्फ हाथ के इशारे और टर्मिनल को छू लेने से ही सारे काम पूरे हो जाते थे। साइज में ये डिवाइस एक चावल के दाने से भी छोटे है। इस चिप का सबसे बड़ा फायदा यही था कि इसके बाद इशारों से ही बैंकिंग जैसे काम पूरे हो रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से कचरे से मुक्त हो चुका है, यानी यहाँ आपको कचरा ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, सुनने में शायद आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन स्वीडन को अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से कचरा मंगाना पड़ता है। दरअसल स्वीडन अपने जरूरत की आधे से ज्यादा बिजली कचरे से बनाता है। ऐसे में उसे अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स को चलाए रखने के लिए कचरे की जरूरत पड़ती है। स्वीडन में कचरे की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नॉर्वे से 80 टन कचरा मंगाया जाता है, जिसे यहाँ रिसाइकल किया जाता है। स्वीडन की सरकार अपने देश में कूड़ा न फेंकने को लेकर लोगों को जागरूक करती रहती है। यही कारण है कि स्वीडन को दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। स्वीडन से जुड़ी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप को 480 दिनों की पैरेंटल लीव दी जाती है ताकि वे अपने बच्चे की अच्छे से केयर कर सकें। स्वीडन अपने देश में जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट है। साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पिता बच्चे की माँ से ज्यादा अपने बच्चे की केयर करते हैं। यहाँ बच्चों के डायपर बदलने, नहलाने, खाना बनाने, खिलाने और लोरी गाकर सलाने तक का काम सिर्फ माँ ही नहीं करती हैं, बल्कि इन सभी कामों में पिता भी माँ के साथ बराबर हाथ बटाते हैं। आपको अक्सर स्वीडन में पिता अपने बच्चों को स्ट्रोलर में टहलाते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ बच्चों के जन्म लेने पर पेरेंट्स को छुट्टी लेना ही पड़ता है, और अगर कोई बच्चों की केयर के लिए दी गई छुट्टी नहीं लेता तो पिता को इस बात का जवाब देना पड़ता है कि उसने ये छुट्टी क्यों नहीं ली। स्वीडन में बच्चे के पैदा होने से पहले माँ को पेरेंटल केयर फ्री में उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है।
ज्यादातर स्वीडिश अस्पतालों में होटल भी होते हैं जहाँ नई माएं और उनके रिलेटिव्स 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं ताकि नवजात और माँ की देखभाल नर्स सही से कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ बच्चों को मारना और पीटना पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर स्वीडन में कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा अगर हमारे यहाँ होता तो लगभग सभी माँ बाप आज जेल में ही होते, मेरे तो जरूर होते। इसके अलावा यहाँ एक और अजीब सी चीज देखने को मिलेगी आपको, और वो ये है कि स्वीडन में आप अपने बच्चे का नाम आइकिया या एल्विस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये नाम यहाँ के नोबल फैमिली के नाम है जो रखने की इजाजत आम लोगों को नहीं दी गई है। दुनिया में सूरज निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूरज डूबने के बाद ही रात की शुरुआत होती है। ये साइकिल कुछ इस तरह से ही चलती आ रही है करोड़ों सालों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहाँ कई दिनों तक रात नहीं होती? स्वीडन का नाम भी उन देशों में ही शामिल है। आपको यकीन नहीं होगा कि स्वीडन में 100 दिनों तक रात ही नहीं होती। ये एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सिर्फ सुबह ही देखने को मिलेगी। यहां मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबता, और ढलता भी है तो आधी रात को, फिर सुबह 4:30 बजे ही निकल जाता है। ऐसे में जो लोग पहली बार स्वीडन जाते हैं उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको बता दें पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स स्वीडन में ही है। हालांकि इस मामले में पहले नंबर पे अमेरिका का नाम आता है, लेकिन अगर बात करें यूरोप की तो स्वीडन सबसे आगे है। यहाँ मैकडॉनल्ड्स की संख्या 250 के करीब है। लेकिन इतना ही नहीं, स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने एक बार मधुमक्खियों के लिए भी मैकडॉनल्ड्स खोलने की पहल शुरू की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, स्वीडन में मैकडॉनल्ड्स ने खास तौर पे मधुमक्खियों के लिए एक रेस्टोरेंट खोला। ये मैकडॉनल्ड्स का सबसे छोटा आउटलेट था जिसे मकहाइव का नाम दिया गया। स्वीडन में मधुमक्खियों को इंसानी खतरों से बचाने के लिए इस तरह की पहल की गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स स्वीडन के लोगों के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज देने की शुरुआत भी स्वीडन से ही हुई थी। दरअसल पहली बार वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुरस्कार की स्थापना किसने और कब की थी? आपको बता दें इस अवार्ड की स्थापना 1895 में साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर साल पीस, लिटरेचर, साइंस, मेडिकल और इकोनॉमी के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। स्वीडन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठना और पढ़ना पूरी तरह से फ्री है। यहाँ एजुकेशन सबसे ज्यादा सस्ती है। स्वीडन में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उसका एक कारण ये भी है, और शायद इसीलिए स्वीडन में लिटरेसी रेट 99% है। इसके साथ ही स्वीडन एक ऐसा देश है जो अपने अजीब कानूनों के लिए जाना जाता है। इस देश में आप गलियों में डांस नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए यहाँ लोगों को पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, और यहाँ बिना लाइसेंस के दीवारों को पेंट भी नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, स्वीडन में गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर स्वीडन देश में गाड़ी चलाते हुए आपको फोन पे बात करनी है तो आपके पास हैंड्स फ्री होना बहुत जरूरी है। स्वीडन में लोगों की सबसे पसंदीदा डिश है स्वीडिश मीटबॉल्स। दरअसल ये डिश यहाँ की परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस डिश को ग्रेवी, उबले हुए आलू और लिंगनबेरी जैम के साथ परोसा जाता है। यहाँ के लोग इस डिश को सबसे ज्यादा खाते हुए नजर आ जाएंगे। मीटबॉल्स के अलावा स्वीडन में कई इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पाया जाने वाला पिज्जा थोड़ा हटके होता है। स्वीडन में एक और पॉपुलर डिश है, और वो है कबाब पिज्जा। इसमें मांस के टुकड़ों और खास चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, और लोग इसे यहाँ जम के खाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हरियाली की तो स्वीडन का आधा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश में हरियाली इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ की हरियाली को देखकर आंखों को एक अलग ही सुकून मिलता है, और यही हरियाली इस देश को इतना खूबसूरत बनाते हैं। साथ ही दोस्तों, स्वीडन में 90,000 से भी ज्यादा झीलें हैं जो मन को भा जाते हैं। दोस्तों, दिन भर के काम से आखिर ब्रेक कौन नहीं लेना चाहता? स्वीडन में काम से ब्रेक लेना यहाँ का कल्चर है, और यहाँ इस प्रोसेस को फीका कहा जाता है। फीका के तहत स्वीडन में लोग अपने काम से दिन में 2 बार ब्रेक लेते हैं। दरअसल फीका का मतलब होता है कॉफी पीना। इस ब्रेक में स्वीडन के लोग एक साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। पहला ब्रेक सुबह 9 से 10 के बीच, और दूसरा दोपहर 3 बजे के आसपास। यानी रोजाना दफ्तर में 2 बार कम से कम आधे घंटे का फीका ब्रेक लेना काफी सामान्य होता है। स्वीडन में फीका की परंपरा सालों पुरानी है। स्वीडन में आइस होटल नाम का एक होटल है जो टूरिस्ट के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा होटल आपको यूरोप के किसी भी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। लोगों के बीच ये होटल इतना पॉपुलर है कि लोग यहाँ एक रात रुकने के लिए 1,00,000 रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। इस होटल में दीवारें, फर्नीचर, बार से लेकर बाकी सारी चीजें बर्फ की बनी हुई हैं। इस होटल को टॉर्न नदी से बनाया जाता है। इसको पहली बार 1992 में खोला गया था, और इसमें स्नो और आइस का बना एक कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट और सेरेमनी हॉल जैसी कई चीजें हैं। इस होटल को हर साल पर्यटकों के लिए सर्दी के मौसम में यानी दिसंबर से अप्रैल तक बर्फ से बनाया जाता है, लेकिन सर्दी खत्म होते ही ये होटल नदी में बदल जाता है।
हालांकि इस होटल के कुछ हिस्सों को 2016 में सोलर पावर्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पक्का कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था हरा भरा देश स्वीडन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको स्वीडन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो स्वीडन, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।